बैंक के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। सीतामढ़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात, आरोपी युवक पुलिस के गिरफ्त से है बाहर। हिलसा में मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, हथियार निर्माण के मुख्य धंधेबाज समेत 3 गिरफ्तार। अररिया में जमीनी विवाद को लेकर भाई भाई के बीच चाकूबाजी की वारदात, एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सीतामढ़ी अस्पताल भेजा गया है। वही आरोपी युवक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना पुलिस पर एक निर्दोष युवक को कस्टडी में लेकर उसको 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। मेजरगंज बाजार निवासी पीड़ित युवक बबलू कुमार को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार का आरोप है कि पीड़ित युवक का जमीन संबंधी विवाद उसके चाचा से चल रहा था और चाचा के कहने पर ही पुलिस ने उसके साथ क्रूरता वाला व्यवहार किया है। 7 बजे घर से बाजार से आया, बोला जे मछली बनाने के लिए, बोला जे हम आ रहे हैं, गया तब से नहीं आया। भाजपा सांसद छेदी पासवान ने रोहतास जिले के डेहरी में कहा है कि महागठबंधन बिखरने के लिए ही बना था और उसकी परिणति देखने को भी मिल रही है। उन्होंने डेहरी में कहा कि यह विधानसभा चुनाव 15 साल के कुशासन और 15 साल के सुशासन के बीच होने जा रहा है। जनता ने तय कर लिया है कि वह सुशासन को चुनने जा रही है। तो बिखरने के लिए ही बनता है, बिखरना है, आज नहीं कल उनको बिखरना ही बिखरना है। यदि चुनाव बाद भी हो सकता है, पहले भी हो जाए और चुनाव के बाद भी बिखर जाए, उन लोगों को बिखरना ही है। कारण कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, राजहित में वो कोई काम नहीं करने वाले लोग। इसीलिए हम पहले बोले कि 15 वर्ष का सुशासन और 15 वर्ष का सुशासन के बीच में लड़ाई होनी जा रही है और इसमें सारा महागठबंधन जितना है वो समाप्त हो जाए। एनडीए में चिराग पासवान भी भवन तैर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान पार्टी में है और गठबंधन में हर लोग चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले, ये सब लोग चाहते हैं, सभी पार्टी के लोग चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़े भक्त मोदी जी के हैं। हम नहीं समझते हैं कि चिराग पासवान कहीं एनडीए को छोड़ करके भाजपा को छोड़ करके चल रहा है, उनका चलना चाहिए, चलता भी है। आम आदमी डेमोक्रेटिक ज़्यादा कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले, लेकिन मोदी को कभी छोड़ नहीं सकते, आज नहीं कल। मामला जो हाफो हल्ला हो रहा है। बिहार न्यूज चैनल के खबर का असर दिखा है। बता दें कि NH-83 की जर्जर हालत को हमने बिहार न्यूज चैनल पर प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसका असर अब दिखने लगा है। पुनपुन से डुमरी के बीच NH-83 गड्ढों में तब्दील था, जो खबर दिखाने के बाद अब इन गड्ढों को भर दिया गया है, जिसको लेकर पुनपुन की जनता काफी खुश है। वही समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पर्दे आने में बहुत ही दिक्कत होता था और मैं बहुत ही उतर के जाना पड़ता था, बहुत ही समस्या पूरा उत्पन्न हो गया था, जाम लग रहा था, ट्रक भी बहुत ही हम उतर के जाते थे, पूरा जाम लगा हुआ रहता था, पूरा ट्रक इन्हें से बस 5-5 घंटा लगा हुआ था। अब हाँ, अब ठीक हुआ है, अब कुछ अभी चिक्कन भी नहीं हुआ है, गड्ढा भरा गया, गड्ढा भरा है, कल भरा है, यहाँ पुनपुन में पढ़ते हैं, ललंदा कोचिंग में। अब तो भरा गया है। मैं सबसे पहले बिहार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हीं का असर है और कि इतना जल्दी रोड भरा गया और उनको इस रोड पर बहुत ध्यान था। 2-3 बार उनका न्यूज भी हम देखे, 2-3 बार वो न्यूज चलाए, उसी का असर है। इसलिए अब जो है समस्या से कुछ हद तक निदान हो गया है। यही माध्यम है कि आप लोग जो भी मतलब इतना कर चुके हैं, थोड़ा सा और मेहनत करके हमको रोड बनिया क्लियर कर दीजिए, जो कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि कितना दिक्कत होता है। हम शुक्रगुजार हैं बिहार न्यूज़ का कि इन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस न्यूज़ को अपने चैनल पर चलाया और आज इस हद तक इस रोड को बना दिया गया है कि आने जाने में कुछ सहूलियत हुई है। NH-83 जो गड्ढों में तब्दील से, अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया अब लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, क्या हुआ? ये जो है बिहार न्यूज़ का देन है, जो कि आज
गाड़ी आ रहा है जा रहा है, नहीं तो 5-5 घंटा 6-6 घंटा लाइन में लगा हुआ है गाड़ी, बहुत दिक्कत था। बिहार न्यूज़ एक सशक्त न्यूज़ चैनल है और मैं देख रहा था बिहार न्यूज़ ने ये जो NH-83 की जर्जर हालत थी उस पर न्यूज़ चलाया था और NH-83 का हाल बहुत बुरा था, बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो गया था, कई जगह तो आने जाने में भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। और इस मुद्दे को बिहार न्यूज़ ने उठाया, बहुत ही अच्छा काम किया और इस पर सरकार ने भी ध्यान दिया, सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ कि बिहार न्यूज़ इसी तरह से चुन चुन कर जनता के मुद्दों को उठाएं और सरकार तक पहुँचाएँ और जनता की जो दिक्कत होती है, जो जनता का मांग है, जो मुद्दा है, उसको उठाना ही चाहिए बिहार न्यूज़ को, क्योंकि मीडिया एक सशक्त माध्यम है। सरकार को या फिर सरकार के बैठे अधिकारियों को जगाने का। मकेर थाना क्षेत्र के NH-722 के बड़का पुल पर सुबह की सैर पर निकली चौकीदार कमलेश पासवान की मां की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि छपरा की ओर से आ रहे एक बालू लदे ट्रक ने महिला को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। वही घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिससे नाराज लोगों ने NH-722 को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। सुबह पर दिल्ली भाई दिल्ली टहले आई बड़ी हम आई। का नाम है? लाखा कुमार। पापा का नाम? स्वर्गीय जगलाल पासवान। अपन का बेटा है ना? हाँ। नाम क्या है आपका? कमलेश पासवान। ट्रक से धक्का लगा है जी। मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के दौलतपुर पंचायत के लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में वैसा प्रत्याशी चाहिए जो जनता के प्रति समर्पित हो, जनहित का मुद्दा उठाए और क्षेत्र का विकास करे, वैसे ही प्रत्याशी को वो लोग वोट देंगे। जी नमस्कार, मैं जनता के बोल कार्यक्रम में आज मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर पंचायत के दौलतपुर गाँव में हूँ। मेरे साथ ये तमाम जो ग्रामीण हैं जुड़े हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तिथि घोषणा भी हो गई है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, ऐसे में क्या कुछ कहना है इन जनता को, तो आइए बिना कुछ वक्त गवाए हुए हम मिलते हैं यहाँ के जनता से, यहाँ की जनता क्या कहना चाहते हैं, क्या हम तो यही चाहेंगे कि मेरा हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधि ईमानदार हो, जुझारू हो, सहनशील हो, जनता के सामने रहे, जनता से मिल के रहे और जनता से कंधा कंधा मिला के चले, सुख दुख में शामिल हो, हम तो वही शाही प्रतिनिधि चाहेंगे। मेरे साथ कुछ और जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जान लूं कि वो क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में। बाबा वोट देवे है? जी वोट दे ही है। दह वोट बूथ पर जा है वोट देवे? सुझा है अभी की सुझा है बाबा को सूझता है, बाबा वोट करते हैं जी। बाबा चुनाव विधानसभा चुनाव है बाबा जी, तो जनप्रतिनिधि तो आवे छथिन, तो कैसन जनप्रतिनिधि चुनाव बाबा? अभी तो हमारा जो पुरनके है जितना काम बढ़िया करके है क्षेत्र में, अच्छा रेखा देवी, अच्छा अच्छा अभी वही चलावे तो अच्छा रहेगा। रोज रोज जो है बैल के बदल के आ दूसरा बैल कोढ़िया के ला के दे देना है घर जान के, वो अच्छा न है, हम वही चाहते हैं। तो बाबा प्रतिनिधि कैसन चाहिए? वही रेखे देवी, हमारा मांग है रेखे देवी के। वोट देते हैं आप? जी सर। तो आप जनप्रतिनिधि का जो चयन करेंगे या चुनेंगे या जिता के भेजेंगे तो कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? जनप्रतिनिधि अच्छा हो, काम करने के लायक हो, समझ जो काम करेंगे उनको हम लोग वोट देंगे, समझ अच्छे अच्छी तरह से मतलब जीत के जाएं और हम लोग के फिर बीच में आए, समझ घूमते रहें कि जो मतलब आज जनता उनको देखे और मतलब आगे के दिन भी उनको रखे। तो देखा आपने ये ग्रामीण हैं, जनता हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि मुझे वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो क्षेत्र की विकास करे, वैसा जनप्रतिनिधि नहीं जो चुनाव मैदान में उतरे, जनता का वोट ले और जनता का वोट लेने के बाद वो फिर जनता की ओर मुखातिब न हो,
तो वैसे जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए, जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र का विकास करे, जो जनता के हित की रक्षा करे, वैसा ही जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनेंगे। तो आइए, मेरे साथ कुछ और जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि आपका क्या कहना है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। जनप्रतिनिधि काम करिंदे आदमी चाहिए, और अभी जो चुनाव का समय है तो कोई नया चेहरा चाहिए। बात करें हिलसा की तो पुलिस कप्तान नीलेश कुमार के निर्देश पर चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी थाना के द्वारा शराब एवं अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हिलसा थाना पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। बता दें कि मुरारपुर गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए हथियार गोली व भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। वह इस पूरे मामले की जानकारी डीएसपी कृष्ण मुरारी ने दी है। जो आगामी आसन विधानसभा जो बहुत नजदीक है हमारा, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, इसमें यह जो हथियार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, इनका मुरारपुर गांव है जो हिलसा थाना अंतर्गत में है, काफ़ी सुदूर एरिया में है। पुलिस बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, पुलिस को पूरी सूचना मिली थी, एक सप्ताह से इस पर एक टीम बनाकर काम चल रहा था, आसूचना संकलन किया जा रहा था। यह कार्रवाई अब जैसा आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स भी इसका, जिस जो कि आपको जब्ती सूचना डिटेल्स मिलेगा, इसमें एक सुनियोजित तरीके से चुनाव में उसको उपयोग करनी थी, और उपयोग करने के लिए ही यह बड़े बड़े हथियार जिसमें कि यह राइफल और पिस्टल बनाने की कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही थी। मुरारपुर में बालेश्वर रविदास जी हैं, बालेश्वर रविदास जिसने कि इसको पहले से हथियार बनाने के लिए जो सामग्री हो सकता है उसको इकट्ठा कर रखा था, इसके लिए मिस्त्री जो कि इसके सब इफिशियंट मिस्त्री हो सकता है वो प्रमोद कुमार, वो चिकसौरा और करायपुरसराय बॉर्डर के एरिया का है, वो करायपुरसराय थाने के अंदर रहने वाला है, पूर्व से काफ़ी लंबी गतिविधि इनकी रही है। ये लोग मिल करके यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से अपना हथियार बना रहा था, बनाते हुए पुलिस ने मेन मिस्त्री प्रमोद कुमार और जो मुख्य धंधेबाज जिसने बनवा रहे थे वो, और एक डीलर जो इसके साथ और संलिप्त है जो इस्लामपुर थाना क्षेत्र का है, उस सभी तीनों रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके साथ में लाइव कार्ट्रेज, जो 7 लाइव कार्ट्रेज है जिसको इसमें यूज किया जा सकता था, वो लाइव कार्ट्रेज पकड़ाए हैं, कुछ यूज कार्ट्रेज है, 2 इसके जो बेस मशीन जो है आप देख रहे हैं, कटिंग करने के लिए जो मशीन है ये सारे पकड़ाए हैं। कुल मिलाकर के यह एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है जिससे कि यह चुनाव में उपयोग कर सकता था हम लोगों ने। मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के पैना गांव में मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी। चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पैना गांव में एसपी योगेंद्र कुमार के आदेश पर छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी के दौरान हथियार समेत हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं, साथ ही मौके से 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल रात को स्ट्राइक के दौरान चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का वेदन किया है। हम लोगों को सूचना गुप्त रूप से सूचना मिली थी, उसी का सत्यापन करने के लिए थाना अध्यक्ष चौसा और उनकी टीम लगातार इस पर लगी हुई थी। कल रात को इसमें सफलता मिली है। ग्राम पैना से ये मिनी गन फैक्ट्री एक आदमी के घर में पाई गई है। इसमें हम लोग को मुख्यतः एक देसी निर्मित पिस्टल मिली है, एक अर्ध निर्मित देसी पिस्टल जब्त हुई है, एक देसी कट्टा जब्त हुआ है, करीब 2 पिस्टल की मैगजीन जब्त हुए हैं। इसके अलावा जो हथियार बनाने के लिए जो आरा छेनी और जिस भी प्रकार के उपकरणों की जरूरत पड़ती है वो भी भारी मात्रा में हम लोगों ने जब्त किए हैं। तो टोटल उस घर से लगभग 22 ऐसे चीज़ें जब्त हुई हैं जिनका कि निर्माण इस प्रकार से अवैध देसी हथियार बनाने में किया जाता था। इस जगह से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है रंगे हाथों, उनको पकड़ा गया है। एक का नाम मोहम्मद नकीर है और दूसरे का नाम मोहम्मद गुफरान है, और दोनों ही पुरैनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक पुरैनी का है और दूसरा चौसा का है। दोनों ने ही अपना अपराध स्वीकार किया है और दोनों ने ही पूछताछ में काफ़ी अहम बातें बताई हैं कि इन लोगों ने कहाँ से ये सब सीखा, और करीब लगभग 2-1 महीने से ये लोग यहाँ पे ये कार्य कर रहे थे। हम लोग पूछताछ अभी भी अपनी जारी रखे हुए हैं, इनके घरों पे हम लोगों ने रेड भी किया है, तो हम लोग पूछताछ में इनसे और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो मिली हैं उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अरवल जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी कुर्था प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रखंड के अधिकारियों को चुनाव से संबंधित कई आवश्यक निर्देश दिए। इस बाबत पत्रकारों के समक्ष उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में तैयारियों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
कोरोना वायरस जैसे भयानक संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों में भी काफी इजाफा किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वही उन्होंने आगे कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मोबाइल बूथ बनाया गया है, जो मतदाताओं को घर घर में जाकर मतदान करवाएंगे। मतदाताओं का और कोविड-19 से जो पॉजिटिव है उनका और एवं 80 वर्ष से ऊपर मैंने 81 और उससे ऊपर के जितने भी मतदाता हैं उनको हमको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराना है। तो 12D एक फॉर्म है जो उनको हम लोग दे रहे हैं और दे करके उनसे सहमति और असहमति हमको प्राप्त करना है और उसके अनुसार से हम लोग मोबाइल बूथ बनाएंगे जो उनके घर पर जाएंगे और उनके घर पर ही उनका मतदान कराएंगे। एक दिन नहीं मिलेंगे तो फिर दूसरे दिन भी जाएंगे। तो एक उसका रिव्यू करना था। दूसरा, मैदान यहाँ पर है उसकी क्या व्यवस्था है या फिर अन्य व्यवस्था जो चुनाव से संबंधित है जो उसी की तैयारी की समीक्षा करने में आया था और वो काम हो रहा है। 80+ है, कितने लोग हैं उसका कैसे क्या हो? 762 है हमारे यहाँ पुरथा में। अररिया के बैरगाछी चौक पर जमीनी विवाद को लेकर हो रही पंचायत के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें बड़े भाई ने अपने ही भाई मोहम्मद मुर्तजा को चाकू मारकर घायल कर दिया। वही छोटे भाई मिनहाज को भी छुड़ाने के क्रम में चाकू मारकर उसने घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कि 2 महीना हमारा दामाद को पहले दामाद है वो मुर्तजा आलम, उसको दबिया से मारा शमशाद। उसके बाद इलाज में गए, हम इलाज में केस हुआ, केस होने के बाद उसको पकड़ कर ले गया जेल। जेल में इसको दबा दो, उसको छोड़ा दिया, उसको पुलिस पैसा लेकर के उसको छोड़ दिया और जेल से बाहर निकाला। और वो हम बार बार पुलिस को कह रहे हैं कि वो हमारे पीछे लगा हुआ है, मर्डर करेगा, हमारा रिकॉर्ड है इसका, सारा चीज है, मगर पुलिस हम ही लोग को ये कर रहा है कि तुम ही लोग ऐसा हो वैसा हो। वो पैसे के बल पर वो सारा काम उसे कर रहा है। आज क्या हुआ? आज दामाद हमारा बोला कि हमको चक्कू मार दिया हमारा वो बेटे को। उसके बाद हम भागे वहां से, बोला कि हमको भी मार दिया। तो फोन बाद में दूसरे आदमी किया कि उसको भी मार दिया बैरगाछी चौक में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए जघन्य अपराध मामले को लेकर पूरे देश में लोग यूपी सरकार की निंदा कर रहे हैं। इस घटना को लेकर लोग अपनी संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं। इसी को लेकर अररिया में भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक शांति मार्च निकाला। क्योंकि सीबीआई जांच, मैंने सुशांत सिंह का जांच देखा है, सुशांत सिंह के जांच को लीप पोत के भारत सरकार चाहे सीबीआई थोप के बर्बाद कर चुके हैं। कोई रिजल्ट सुशांत सिंह के जांच में नहीं आया है और इसका भी जांच उसी तरह हमारी सरकार थोप के बर्बाद कर देगी और जो बलात्कारी है उसको बचा लेगी सरकार। जांच कुछ नहीं है, अगर जांच करानी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से जाँच कराए, रिटायर्ड जस्टिस से कराए, वो जांच सही होगी। ये जांच पर मुझे भी फेक नहीं है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।